भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 पर जिले के सीमा के करीब 64 किलोमीटर फोर लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें तेंदुखेड़ा नगरीय क्षेत्र की सीमा में घोघरा नाले पर निर्माण अधीन एक ब्रिज शनिवार को तड़के टूट गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को उस दौरान लगी, जब सुबह घूमने के लिए निकले लोगों ने ब्रिज को टूटा हुआ देखा। बताया जाता है कि ब्रिज में लोहा बंधने के बाद लेटर का कार्य चल रहा था और एक तरफ के हिस्से में लेटर का कार्य हो गया था और रहवासी क्षेत्र की तरफ वाले हिस्से में लेटर का कार्य होना था। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ब्रिज टूटने के बाद मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं है। ठेकेदार के जो नुमाइंदे हैं उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि घटना से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण के दौरान ही ब्रिज के टूटने की घटना ने कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर पारस बंसल डिप्टी मैनेजर PWD जबलपुर का कहना है कि ब्रिज की सेटिंग लगी थी और नीचे दो गाय घुस गई थी, जिन्होंने सेटिंग को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कंक्रीट गिरने लगी थी, तो ब्रिज को ठेकेदार ने तुड़वाने का कार्य किया और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ब्रिज का जो हिस्सा टूटा है उसे फिर से बनाया जाएगा। कार्य के पहले प्रोजेक्ट लागत 617 करोड़ थी, लेकिन नोरा देही क्षेत्र का कार्य अलग होने से कार्य की लागत 513 करोड़ घटकर हो गई थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नरसिंहपुर से सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।